अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताएंगे जो कि गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं। नेशनल, इंटरनेशनल जॉब्स और उनका अप्लाई करने के प्रोसीजर। तो सबसे पहले चलते हैं पहली एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो जो इस चैनल पे जितनी भी जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट शेयर किए जाएंगे उनके लिए ऑलमोस्ट तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक, एफए, बैचलर से लेके एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स तक। नेक्स्ट, सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट जो है कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर बीएसपी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं और सप्लाई चेन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ, उम्र 45 साल ईयर तक होनी चाहिए। अपनी सीवी, दो अदर पार्ट साइज तस्वीर और सीवी, इनको 15 दिनों के अंदर ही सेंड करनी है। उनकी ये वाली वेबसाइट यूज़ करते हुए www.karachishipyard.com.pk पे यहाँ से फॉर्म जो रिक्वायरमेंट है वो डाउनलोड करके उनको इस पते पे सेंड कर देनी है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, द सिटीजन फाउंडेशन के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं। सिटीजन फाउंडेशन इज़ लुकिंग फॉर एरिया एजुकेशन मैनेजर इन नो शेरा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं। 3 to 4 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके लिए ये जॉब है, एक्सपीरियंस मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी फॉर अ डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए इनकी इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, हुकूमत पाकिस्तान वजारत दिफाई डिवीजन की जो असामी है उसके अंदर असिस्टेंट की है, जिसमें बीए या इसके मसावी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी है, एलडीसी की है, ड्राइवर की है, नैब कासिद की है, माली की है और सेंट्री वर्कर की है। रिस्पेक्टिवली एजुकेशन उन्होंने ये बताई हुई है और साथ साथ उन्होंने कोटे के मुताबिक सीट्स भी ये बताई हुई हैं। उसके लिए अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, तो उसके लिए दरख्वास्त तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि 15 दिनों के अंदर ही पोस्ट बुक नंबर दिस जीपीए और रावलपिंडी को पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद वाली दरख्वास्त मुस्तरद दी जाएंगी। दरख्वास्त हर लिहाज से मुकम्मल बम्बाई तमाम तलीमी इसनाद मीन्स के जितनी भी रिक्वायरमेंट आपके तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करके सेंड कर देनी है इस पते पे महकमे दिफाई डिवीजन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क में जो ने जो जॉब्स अनाउंस की हैं उसके अंदर सबसे पहले इंजीनियरिंग डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर वाले जिनकी पीएचडी इसके अंदर है, ऑलमोस्ट 14 ईयर एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा हुआ है और उसके अंदर एज लिमिट 62 ईयर है। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद कापीज ऑफ सीएनआईसी सीवी, कापीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स जल्दी वेरीफाइड बाई एचसी, रिसेंट फोटोग्राफ एंड विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट। तो इसके लिए उन्होंने जो अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स, सीवीज वगैरह वो इस जॉब के लिए इस पते पे सेंड करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि एक गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बीपीएस 715 सॉरी और टेलीफोन ऑपरेटर बीपीएस 9। तो उसके लिए एक इंटरमीडिएट प्लस 7 ईयर एक्सपीरियंस, उसके अलावा ये या फिर कोई रिटायर्ड जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर, एनसीओ ऑफ मिलिट्री कोर्प्स के अंदर जो कि रिटायर्ड लोग होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ टेलीफोन ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं बीपीएस 9 पे। अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर मे बी फॉरवर्ड टू द अंडर डिजाइंड एट पीओ बॉक्स। इस पते पे एक सैम्पल प्लेन पेपर ब्लैंक पेपर के ऊपर लिख के उनको सेंड करनी है बम्बई अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। कंप्लीट बायोडाटा, जब भी कंप्लीट बायोडाटा की बात होगी तो उसका मतलब अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक सीएनसी पिक्चर्स और अदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ अटैच करने होते हैं। और तमाम मैक्सिमम जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके सीएनसी एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स शुड बी अटेस्टेड। नेक्स्ट है सिचुएशन वीकेंड, ये है खैबर पख्तूनख्वा के कैंडिडेट्स के लिए। ड्राइवर की, नैब कासिद, चौकीदार, ऑलमोस्ट इनके लिए मिडिल या प्राइमरी पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने का सिंपल वही प्रोसीजर है, ये वाला पीओ बॉक्स नंबर, इस पे आपने सेंड करना है टेस्टेड कॉपीज ऑफ तमाम ऑफ ऑल सपोर्टिंग एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स।
नेक्स्ट है जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी अकाउंटेंट ऑफिसर की है। कैंडिडेट हैविंग बीकॉम एंड अलोंग विद एमपीए फाइनेंस के अंदर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और दूसरा मास स्पेक्ट्रोमेट्री असिस्टेंट। मास स्पेक्ट्रोमेट्री असिस्टेंट के लिए इसके अंदर बीएस डिग्री इन केमिस्ट्री होनी चाहिए, अप्लाइड केमिस्ट्री, और 5 ईयर एक्सपीरियंस विद मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑपरेटर। इसको ऑपरेटिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए तमाम वही सिंपल जो मैं पहले भी बताता हूँ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और तमाम जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स और अटेस्टेड फॉर्म में होने चाहिए। और इनके मेंशन एड्रेस पे सेंड कर देना है। नेक्स्ट है हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स जो हैं उसके अंदर ये जॉब्स मेंशन है, मैकेनिक्स की, नैब कौशिक की, सैनिटरी की, चौकीदार की और डिस्पैच राइटर की। इनके लिए इसके लिए मैट्रिकुलेशन ऑलमोस्ट तमाम के अंदर मैट्रिक 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 मांगी हुई है। इसके अंदर नैब कौशिक के लिए मिडल मांगी हुई है। जबकि इनके अप्लाई करने का जो तरीकाकार होगा वो है, जो मुलाजमी पहले से ज़ेरे मुलाजमत हैं वो अपने महकमाना तबसुस से दरख्वास्त अरसाल करें। और इसके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो जो है नाम, वालिद का नाम, CNIC, तारीख़ पैदाइश, डोमिसाइल, क्वालिफिकेशन अपनी बतानी है, पोस्टल एड्रेस और पासपोर्ट साइज तस्वीर। और इनको जो सेंड करना वो इस पते पे सेंड करना जो मैंशन है, गुलाम फ़ारूक मैंगरियो, सेक्शन ऑफिसर जनरल बराए सेक्रेटरी हुकूमत सिंध। नेक्स्ट है फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। इसके अंदर वेस्ट वर्कर डेली वेजेस पे ज़रूरत है, जो कि जिनके असामियों की तादाद 50 है। और ये ऑलमोस्ट वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं कुछ जो कि डिवीजन फैसलाबाद में आते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES के अंदर जो जॉब्स हैं उसके अंदर ऑयल इंजन ड्राइवर, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, उसके अलावा ये BPS 4 to 6 के लिए जॉब्स हैं। ऑलमोस्ट तमाम के लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है। 6 BPS 6 के लिए गैस फिल्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मिडल के लिए अप्लाई मैट्रिक बेस पे आप पाइप फिटर प्लम्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ इन तमाम के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल रजिस्टर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके रिलेटेड रेलिवेंट, जैसे कि मेसन, मिडल और साथ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड होना चाहिए। कारपेंटर है तो उसके साथ मैट्रिक मैट्रिक एजुकेशन है, साथ उसके सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड जो कि उस कारपेंटर के लिहाज से होगा वो होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा असामी हैं, मीन्स के खसूसन पंजाब के, जैसे कि 58 इसमें हैं, ऊपर भी 54, मीन्स के ऑलमोस्ट 50+ हैं सब में। मोटर ऑयल पंप अटेंडेंट जो है BPS 4 है, 258 जॉब्स हैं सिर्फ पंजाब वालों के लिए मैट्रिक और उसके साथ जो भी कोर्स रेलिवेंट जो कि टेफ्ट ऑलमोस्ट करवाता है वो। और इसके सिंपल प्रोसीजर उनकी ऑनलाइन अप्लाई होगा। और जो BPS 6 पे अप्लाई कर रहे हैं, 6 स्केल पे अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए टेस्ट उन्होंने रखा हुआ है, जबकि दूसरों के लिए जो है वो स्केल वर्क का टेस्ट होगा जस्ट। तो इसके अप्लाई करने के जो लास्ट डेट है, BPS के लिए 400 का चलान होगा, उसके 6 के लिए 400 का और 4 के लिए 300 का चलान होगा। बाकी ये रिक्वायरमेंट जो है मेंशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि और इसमें क्या क्या आपने अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स की जब आप अप्लाई करेंगे। लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर 2021 है। और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लगेंगे, ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटोकॉपी से एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेंगे। अटेस्टेड कापी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन CNIC एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कापी ऑफ DSE मीन्स के जो भी टेफ्ट के कोर्स करवाए हुए हैं। और अगर कोई नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है तो वो अपना नॉन मुस्लिम कैंडिडेट का सर्टिफिकेट साथ जमा करवाएगा। इसके अलावा ऑलमोस्ट ये भी इसकी लास्ट डेट ये मैंशन जैसे कि 10 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके अंदर ट्रांसलेटर की जॉब है, जिसके अंदर BS इंग्लिश वाले और BS उर्दू वाले अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। प्रूफ रीडर है तो उसके लिए भी इंग्लिश के डिप्लोमे वाले अप्लाई कर सकते हैं। BPS 16 की हैं, ऊपर वाले 17 की जॉब सी। उनके अप्लाई करने का प्रोसीजर ये बताया गया, 600 का चलान होगा, जबकि RCC की वेबसाइट के ऊपर जाके आपने अप्लाई करना है। तो इसके अलावा ये उनका अकाउंट नंबर जिसके अंदर आपने बैंक फी चलान जमा करवाना है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो जॉब्स आई हुई हैं, टेक्निकल एडवाइस टूरिज्म है, PhD टूरिज्म उसके अंदर हो या हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के अंदर हो, तो ऑलमोस्ट ये PhD वालों के लिए है। और ये मास्टर वालों के लिए सर्वे एंड बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट, जिसके अंदर मास्टर डिग्री इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर मांगी हुई है।
उसके अलावा अप्लाई करने का सेम प्रोसीजर वही कि यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करने, बल्कि जो आपकी सीवी होगी, सीवी आपने इस ईमेल के ऊपर जस्ट फॉरवर्ड कर देनी है, और इसके अंदर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप फिर दोबारा डीवीएन फैसलाबाद के लिए, डीवीएन फैसलाबाद के प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट केयर के जो अनाउंस किए हैं उनके अंदर पोलियो वर्कर्स मेल और फीमेल 580 तादाद है, लेकिन इनके अंदर मैट्रिक, अगर मैट्रिक दस्तियाब ना हो तो मिडल वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई कौन कर सकता है? जो ये तमाम मेंशन यूनियन काउंसिल्स हैं, वही यूनियन, इन्हीं यूनियन काउंसिल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये यूसी है, यूसी 20, 21, 29, 30, इस तरह ये यूसी चल रही हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ़ पोस्ट चल रही हैं। उसके बाद ये सेम इसी तरीके से ये यूसी का कॉलम है, ये यूसी का है, ये यूसी का है, ये यूसी का है, ये नीचे एंड तक चला जाता है, जाएगा नीचे और भी। और ये हर बंदा, हर कैंडिडेट्स अपने यूसी के मुताबिक अप्लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे 20-25 यूसी से स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ से 252 पे पहुँच चुका है, 297-299 यूसीज तक किया जाता है, मीन्स के 299 यूसीज ऑलमोस्ट चलेंगे जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ उन यूसीज के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी बताई गई हैं। इसके अलावा इसके अंदर उन्होंने जो बताया हुआ कौन कौन लोग जिन यूनियन काउंसिल में भर्ती की जाएगी उसी उम्मीदवार उसी यूनियन काउंसिल का अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी, फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। जिन इलाकों में पश्तून आबाद है, इन इलाकों में पश्तो बोलने वालों को तरजीह दी जाएगी, मीन्स के उस यूनियन काउंसिल का रिहायशी होना ज़रूरी है, जिस जैसे कि वहाँ पर वहाँ का शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। ये बाकी ये भी पढ़ लीजिए कि इसके अंदर जो एम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सिलेक्शन कमेटी का फैसला हतमी होगा, किसी अदालत में चला नहीं किया जा सके, गैर हाजिर को जैसे, हाँ एंड पे उन्होंने बताया कि जिस उम्मीदवार की दरख्वास्त रिहायश का पता पुरानी यूनियन काउंसिल का नंबर दर्ज नहीं होगा, इसकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाएगी, सबसे पहले ये बात। और दूसरी बात जो है ना, मुंतखब शुदा उम्मीदवारों की रिहायशी मालूमात के मुतल्लिक तस्दीक करवाई जाएगी, अगर किसी का दिया गया रिहायश का पता या यूनियन काउंसिल गलत साबित हुई तो इसका इंतखाब मुस्तरद किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मोबाइल नंबर पर कॉल करके इंटरव्यू की कॉल दी जाएगी, मीन्स के सिर्फ इसके इंटरव्यू होंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को किसी एडवर्टाइजमेंट की कोई समझ नहीं आई तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। मिल्ट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वो असिस्टेंट की हैं, 9 पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन मांगी हुई है, स्टेनोटाइपिस्ट के इंटरमीडिएट के अंदर इंटरमीडिएट बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। यूडीसी के लिए भी इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12 पोस्ट हैं, जबकि लोअर डिवीजन कलर के लिए 38 पोस्ट हैं मैट्रिक वाले, और 30 वर्ड पर मिनट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इनके अप्लाई करने का तरीकाकार भैया के तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने साथ अटैच करके एप्लीकेशन बना के सीवी या बाकी जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग के अंदर एजुकेशनल एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल अदर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इनके इस पते पे सेंड कर देना। असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डीजी एचआर सेक्शन मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट। अल्लाह हाफिज़।